हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव एंड आई एम वेलकमिंग यू एट माय चैनल आरके गौरव। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 5 के सब क्वेश्चन 3rd और 4th को यहां पे अपलोड करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज फोकस ऑन बोर्ड एट सम नंबर 3। तो क्या दिया हुआ है यहां पे, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा। हम लोगों को यहाँ पे ये प्रूफ करना है, तो किस तरीके से करेंगे हम लोग। तो अब हम लोग बेसिक पे ही जाते हैं। LHS मैंने पहले से ही लिख दिया है, sec स्क्वायर थीटा। sec थीटा क्या होता है, तो हम लोगों का ये होता है क्या, sec थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन cos थीटा। हां, और cosec थीटा हमारा क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है 1 अपॉन sin थीटा। तो ये स्टेप में हम लोग इतना करेंगे अभी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन क्या लिखा मैंने, sin स्क्वायर थीटा। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को कॉमन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ यहाँ पे, cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये हम लोगों ने डिनोमिनेटर कॉमन किया, तो ये यहाँ का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स अगले स्टेप पे चलते हैं। तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दिस इज अवर फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1 होता है। तो 1 अपॉन मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा इनटू व्हाट, sin स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसको यहां पे ऐसे लिखता हूं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है भाई, तो 1 अपॉन cos थीटा होता है हमारा sec थीटा, और 1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cosec थीटा। तो बस दोस्तों ये यहां पे हम लोगों को लिख देना है, यहां पे sec स्क्वायर थीटा इनटू क्या आ जाएगा यहां पे, cosec स्क्वायर थीटा। तो हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट LHS इज इक्वल टू व्हाट, RHS, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना सिंपल सा सम था ये हमारा, एकदम ही सिंपल सम है, 4-5 स्टेप में ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब फ्रेंड्स हम लोग आ जाते हैं सम नंबर 4th की ओर। तो यहां पे क्या दिया हुआ है हम लोगों को, cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। व्हाट, cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये हम लोगों को यहां पर लेकर के आना है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या दिया है हम लोगों को दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए आप। तो cot स्क्वायर थीटा इज माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब यहां पे हम लोग शुरुआती इसकी कैसे करेंगे दोस्तों, तो आइडेंटिटी लिख के ही करेंगे। तो cot स्क्वायर थीटा हम लोगों का आता कैसे है, तो इसका बेसिक जो आइडेंटिटी है वो हम लोग लिख लेते हैं यहां पे। तो क्या है वो, 1 plus cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये है, तो therefore मैं ऐसे बोल सकता हूं ना, ये cot स्क्वायर थीटा यहां पे है, तो मैं यहां पे कैसे लिखूंगा इसको, तो जरा ध्यान दीजिए। तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां पे ये माइनस आया। अब tan स्क्वायर थीटा के लिए हम लोगों का क्या था वो फार्मूला, 1 प्लस क्या आएगा यहां पे, tan स्क्वायर थीटा, सिंस ये हम लोगों को पता है इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा यहां पे, sec स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या दिया हुआ है हम लोगों को, tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पे हम लोग क्या लगा सकते हैं वापस से, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग क्या कर देंगे, यहां पे ब्रैकेट लगा देंगे। क्या किया मैंने, ये इसमें ब्रैकेट यहां पे लगा दिया है, ठीक है। और यहां पे भी हम लोगों को बेसिकली ब्रैकेट यहां पे लगाना है, ताकि ये माइनस का साइन जब ओपन होवे तो यहां पे कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाए। तो ये ब्रैकेट लगाना हम लोगों को बहुत जरूरी है। नाउ वी आर ओपनिंग आवर ब्रैकेट्स। तो
यहाँ पे ये माइनस का साइन आया, ये sec square थीटा है यहाँ पे, अब माइनस माइनस क्या हो जाता है दोस्तों, प्लस हो जाता है, ये आ गया वन, तो दिस माइनस वन एंड दिस प्लस वन विल गेट कैंसल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, cos sec square थीटा माइनस sec square थीटा विच इज इक्वल टू आर एच एस, therefore I can say that LHS is equal to what RHS. So friends, I hope that you have understood some number 3 and 4 sub question of 5 very well. So friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. So friends, thank you very much and Jai Hind.